खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की आम सभा होनी है, यहाँ एक हेलीपैड स्थल है जहाँ पर लोग बाग हेलीकॉप्टर देखने के बैठे हैं। कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं, कुछ इनसे पूछते हैं कि चुनाव है आपके क्षेत्र में, क्या क्या चाहती हैं अम्मा आप अपने क्षेत्र में? फूल पहने नहीं नहीं विकास क्या चाहती हैं? पानी की सुविधा हो? हमें पानी की सुविधा चाहने, जैसे लाइट की चाहने। हमारे ये माने मकान है, हमें लाइट नहीं है, लाइट ना पानी आए, पानी है ना लाइट है। फिर क्या दोगी फिर आप वोट? हाँ हमें तो लाइट चाहने और पानी चाहने। यहाँ पर लाइट और पानी की सुविधाएं महिलाएं मांग रही हैं, क्योंकि पानी इनको अपने सिर पे लाना पड़ता है, ऐसे में पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की बहुत दिक्कत है। क्या चाहती हैं अपने क्षेत्र में, क्या क्या सुविधा हो? पानी और लेन की चाहने व्यवस्था, पानी की व्यवस्था चाहिए। आपको बता दें ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है और बुंदेलखंड में जहां हम देखते हैं कि पत्थर पहाड़ के अलावा जो पानी की सुविधा है वो लोगों को नहीं मिलती है, ऐसे में लोगों को आज भी बुंदेलखंड में हर पार्टी आती है, बड़े बड़े वादे करती है, नेता आते हैं, लेकिन इन जनता की प्यास बुझाने कोई आगे नहीं आता है। अभी चुनावी समर है, देखना है कौन कौन नेता क्या क्या वादे करते हैं। पृथ्वीपुर उपचुनाव में ये युद्ध नहीं आसान है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव बड़ा घमासान है। आज मुख्यमंत्री ने यहाँ आम सभाएं ली, यहाँ पृथ्वीपुर उपचुनाव में दो आम सभाएं हुई, एक सिमरा में और एक कांटी में। मुख्यमंत्री ने अपनी सारी योजनाएं जनता को बताई हैं, साथ ही उन्होंने कहा है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुख्यमंत्री आप लोगों के साथ है। यहाँ पर काफी आम सभा में लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी ताकत झोंक देना चाहती है, इसी को देखते हुए विजयादशमी से विजय संकल्प यात्रा से इनके जो क्रियाकलापों में तेजी आई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का अब ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की भी आज आम सभा हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए, वो भी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव में अब घमासान और कांटे की टक्कर साफ दिखाई देने लगी है, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू होने लगा है। देखना है आगे ये कहां तक चुनाव जाता है, क्योंकि ये जो पृथ्वीपुर उपचुनाव है इसमें सभी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिवंगत नेता थे वो यहाँ के पूर्व मंत्री रहे हैं। ऐसे में इस विधानसभा को जीतने के लिए मुख्यमंत्री पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं और लगातार यहाँ पृथ्वीपुर उपचुनाव में लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। त्यौहार के सीजन में महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति में पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो डीजल इस समय 103.78 रुपए, वहीं पेट्रोल 114.45 रुपए जो है डीजल के दाम है, और लगातार यहां पे पेट्रोल और जो डीजल है उनके दामों में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी दशहरा का पर्व गया है, नवरात्रि का पर्व गया है, और ऐसी स्थिति में अब आने वाले समय में हिंदू पर्व के हिसाब से बड़े त्यौहार यहाँ पे दशहरा और दीपावली आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे हर वर्ग हर इंसान जो है वो परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप एलईडी स्क्रीन में देखेंगे कि जो पेट्रोल है वो 114 रुपए लीटर यहाँ पे पहुंच चुका है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। अरे काफी परेशान हो रहे हैं साहब, ये गाड़ियां जो हैं मतलब जीने नहीं दे रही हैं, अपने घर वालों को रोटी खिलाएं या पेट्रोल भराएं, और सरकार इस चीज के लिए तो कभी देखी नहीं है। बाकी स्टेटों में देखा जा रहा है तो कुछ राहत की सांस लेने में मिल रही है, लेकिन एमपी सरकार में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इस पर कोई ब्रेक ही नहीं लग रहा है किसी भी चीज का। हर चीज महंगी हो रही है इसके चक्कर में, आमदनी है नहीं और पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, आम आदमी तो बिल्कुल परेशान हो गया है साफ तौर पे, क्योंकि अन्य स्टेट राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पे
थोड़ा कम जो है टैक्स वैट टैक्स सेस लगाया जाता है, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वैट टैक्स और सेस लगाया जाता है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में पेट्रोल और जो डीजल के दाम है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई की मार लगातार जारी है, निरंतर इसको लेकर जो लोग हैं परेशान दिखाई दे रहे हैं और जो ग्राहक हैं वो भी, अब जो सब्जियां पहले 4 किलो 5 किलो ले जाते थे, अब महज 1 किलो या आधा किलो सब्जियों से काम चला रहे हैं। हमारे पास दुकानदार भी मौजूद हैं, बात करेंगे। जो सेलिंग पहले होती थी सब्जियों की, अब कितनी गिरावट आई है? सब्जियों की महंगाई से बहुत ही गिरावट आ चुकी है, क्योंकि जो सामान पहले निकल जाता था वो अब बहुत ही कम निकल रहा है, और सामान सड़ भी ज़्यादा रहा है इसलिए महंगा सामान हो जाता है। मंडियों से भी कम सामान आने लगा है और बेकार से बेकार सामान आता है और महंगा भी देने लगे यहाँ पे, इसलिए इस कारण यहाँ पे महंगा हो चुका है सामान। अच्छा, सब्जियों की सड़ने की बात करें तो यानी कि आप जो लाते हो भर के सब्जियाँ महंगे होने के कारण बिक नहीं पा रही हैं, क्या क्या महंगे होने के कारण भी नहीं बिक पा रहे और वहाँ से भी बेकार सामान आने लगा है, इसलिए यहाँ पे कस्टमर बहुत ही कम सामान लेते हैं और जो 1 किलो लेता था वो आज पावर लेके जा रहा है, इसलिए महंगा सामान है। तो बिल्कुल सब्जियों की भी मार लगातार जारी है और लोग भी बेहाल बने हुए हैं, कमर तोड़ महंगाई से लोग परेशान हैं। तो सब करते हैं, इस वक्त हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं। अब सस्ते कहीं नहीं मिल रहा है, अब कुछ खा पा रहे हैं कुछ नहीं खा पा रहे हैं, सब्जियां ऐसे ही है। कहीं ना कहीं पहले जो 20 रुपए किलो टमाटर 40 रुपए मिलता था, आज 80 रुपए किलो टमाटर हो गया, 80 है काफी। हाँ, बहुत समस्याएं तो बहुत है, बहुत सारी सब्जियां महंगी हैं। देखो खीरा भी लेकर आए, वो 40 से 20 रुपए खीरा चलता था, वो 40 रुपए मिल रहा है। जनता की लकीरें इस महंगाई को लेकर देखी जा सकती है, कमर तोड़ महंगाई से लोग परेशान है, आम जनता बेहाल बनी हुई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आम इंसान को परेशान करते जा रहे हैं। मैं छिंदवाड़ा में आज पेट्रोल के दामों की बात करूं तो 116 रुपए 48 पैसे जो है सादा पेट्रोल बिक रहा है, वहीं जो है 120 रुपए 61 पैसे स्पीड पेट्रोल बिक रहा है, और डीजल के जो दाम है वो 105 रुपए 64 पैसे हैं। रोजाना इन कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, कीमतें ना थमने का नाम ले रही है ना कम हो रही है। यहाँ जो उपभोक्ता है मैं उनसे जानता हूँ कितना फर्क उनकी जेब पर पड़ा है। देखिए लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी तकलीफ जा रही है, कितना फर्क पड़ रहा है जेब के ऊपर? बहुत फर्क पड़ रहा है। कितना बजट बिगड़ रहा है? बहुत बजट बिगड़ चुका है। पहले 1 लीटर 60-70 रुपए का आता था, अब सीधा सीधा डबल हो गया है। देखिए यहाँ एक दो लोग और हैं, मैं उनसे जानता हूँ, ये एक बच्ची को भी लेकर आए हुए हैं। देखिए लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना आपकी जेब पर असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है सर, बच्चों की परवरिश, घर छिन रहा है, परिवार छिन रहा है, अब क्या कर सकते हैं, सरकार ही ध्यान नहीं दे रही तो कौन ध्यान देगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार को समझना चाहिए ना। देखिए बिल्कुल जो है सीधा सीधा असर इनके ऊपर पड़ रहा है, इनका कहना है कि सरकार को सोचना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है कि सोचना पड़ेगा, इस बढ़ती महंगाई बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को जो है कम करना पड़ेगा, ये यही रोकना पड़ेगा, वरना जो और भी दूसरी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से सामग्रियां आती हैं वो भी लगातार महंगी होती चली जा रही हैं, आम इंसान परेशान होता चला जा रहा है, तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम इनका कम होना बेहद ज़रूरी है। वर्ष 2020 में कोरोना काल भारत देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं तोड़ी बल्कि तो जो उनकी रोटी के लिए भी लोगों को तरसने के लिए मजबूर कर दिया, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। लेकिन एक बार फिर 2021 में त्योहारी सीजन में बाजार पूरी तरीके से भरे हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप कि यहाँ किस तरीके से लोग, ये बाजार पूरे सजे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं त्योहारी है, सीजन है, दिवाली है, दशहरा है, दशहरा अभी बहुत अच्छी धूमधाम से मनाया गया, यहाँ दुकानें सजी हुई है और हर व्यक्ति अब यहाँ पर एक पटरी पर उनकी जिंदगी लौट रही है, जिस तरीके से जद्दोजहद उनकी 2 जून की रोटी की रहती है तो 2 जून की रोटी तो की जुगत में यह सारे लोग लगे हुए हैं, और अब एक बार फिर जिस तरीके से रेहड़ी और सड़क पर दुकान लगाकर लोग यहाँ पर अपना 2 जून की रोटी की जुगत में भिड़े हुए हैं, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से अब पटरी पर जिंदगी लौट रही है, और अगर एक तरह से कहा जाए कि पटरी पर जिंदगी आते आते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर फिर से बदलने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अब कोरोना काल ने जो सन्नाटा फैलाया था वो खामोशी अब टूट रही है, और लोग
अब एक तरह से त्योहारी सीजन में और 2021 में एक बार पुनः देश की अर्थव्यवस्था सुधरने जा रही है। बालाघाट में पेट्रोलियम पदार्थ की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर आज भी देखने मिला। आज पेट्रोल 116.44 रुपया हो गया और डीजल 105.59 रुपया हो गया। इस बढ़ती दर के कारण किस तरह से बस व्यवसाय पर प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर हमारे साथ में बस संचालक और बस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौशल जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि बस पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ोतरी के बाद में किस तरह से बस संचालन पर फर्क पड़ रहा है, जी भैया किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? भैया आपको पहले बता दूं, मैं प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। जिस समय कोरोना अप्रैल में आया था उस समय 69 रुपए था, आज की डेट में 105.59 रुपए, 37 रुपए की बढ़त है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम डीजल भरा है या पानी में गाड़ी चला। सरकार सुबह लूट रही है, मोटर वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने 3 महीने का टैक्स माफ तो किया, लेकिन उसके चक्कर में हमको 4 महीने का और भरना पड़ रहा है, जो गाड़ी हमारी खड़ी रह गई। मार्च अप्रैल मई 3 महीने का माफ किए, जून जुलाई अगस्त सितंबर ये जून जब आ रहा था 4 महीना, अपने पास का टैक्स भरो। स्थिति बहुत खराब है मोटर मालिकों की, जो भी पैसा आता है डीजल में घुस जाता है। आज टायर लेने जाते हैं, जो टायर 24,000 रुपए का आ रहा था आज की डेट में वो 48,000 रुपए का आ रहा है। जो टायर 9,000 का आता था आज की डेट में 18,000 रुपए का आ रहा है। काफी तो फर्क हो गया। अरे भैया मोटर वालों की चमड़ी जो बची थी ना, अब वो चमड़ी भी नहीं बची, ये स्थिति बची है। एक एक दो गाड़ी वाले तो निपट गए मान के चलो, जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो भी कुछ दिनों निपट जाएंगे। अरे बिजली ऐसा लग रहा है। इसी तरह से और भी हमारे साथ में बस संचालक, हम उनसे चाहेंगे भैया बताएं किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है इस कारोबार का। डीजल की बड़ी गाड़ी चलाने में असमर्थ हो चुके हैं बस मालिक, और बस चलाना बहुत ही मुश्किल का काम हो रहा है। 105.59 रुपए का डीजल डाल के अब 25% अगर किराया बढ़ा भी दिया गया तो उससे बढ़े हुए किराए का कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसी ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाने की स्थिति नहीं बन पाती। ये तो बस संचालक जिनका कहना है कि बस संचालन करना अब हमारे लिए बस की बात नहीं। लगभग 2 साल बीतने के बाद अब उज्जैन का बाजार गुलजार हो चुका है। यहाँ इन 2 सालों में कई महीनों तक बाजार पूरी तरह बंद रहा, क्योंकि कोरोना काल में कई बार लॉकडाउन लगा गया। कोरोना की पहली लहर, इसके बाद दूसरी लहर, इसके बाद यहाँ पर अब हम नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि में जरूर रौनक दिखाई दी थी, अब चूंकि दीपावली तो कुछ ही दिन बाकी है इसलिए बाजार में गति दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के फ्रीगन क्षेत्र में, क्योंकि आज रविवार का दिन है, बावजूद इसके यहाँ पर बाजार गुलजार दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ व्यवसायी हैं। सर किस प्रकार का यहाँ पर व्यवसाय चल रहा है और कोरोना के बाद से अब क्या फर्क देखने को आया? वैश्विक महामारी के बीच विगत 2 वर्षों से व्यापार जो ठंडा चल रहा था, बहुत ही मतलब नुकसान हो रहा था, कर्ज हो गया। बस उसके बाद अब नवरात्रि पर्व के दौरान ऐसा लगा कि थोड़ा बाजार बहुत उठ रहा है, व्यापार में कुछ गति आ रही है, और दीपावली पर्व को लेकर भी हम बहुत आशावान हैं कि दिवाली पे हमें अच्छा प्रतिशत मिलेगा। बट एक समस्या जो हो रही है महंगाई के कारण, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, जिस कारण कुछ महंगाई जरूर बढ़ी है। बाकी फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि दीपावली पे बाजार गुलजार होंगे और खूब अच्छा कमाई हो सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारी का साफ तौर पर कहना है कि नवरात्रि में बाजार ने गति पकड़ी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चूंकि दीपावली पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा खरीदे जाते हैं, मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी भी है, भैया किस प्रकार से बाजार में अब कुछ उठाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर, जैसे नवरात्रि के पहले तक तो बिल्कुल थोड़ा बाजार नॉर्मल था, ठंडा था, अभी जरूर एक उठाव आ रहा है, जिस कारण ऐसा लगता है कि दीपावली सब 12 महीने का त्यौहार रहता है, अच्छे से मनाएंगे। और पिछले साल भी यही था कि अपने दिवाली तक तो आगे अपने अपने सब अपने अपने रोटेशन पर बल गया था, बढ़िया रहेगा, और उम्मीद के साथ यही रखूंगा कि हाँ दिवाली अच्छे से ही रहेगी सबके लिए। नगर वासियों को चौपाटी का लाभ मिल सके इसके लिए नगर पालिका ने 2018 में 47 लाख रुपए से एक चौपाटी बनाने का निर्णय लिया और 2019 में ये चौपाटी तकरीबन 95% बनकर तैयार हो गई। लेकिन अभी तक 2 साल बन जाने के बाद भी अभी तक इसका लोकार्पण नहीं हो पाया है। वर्तमान में क्या स्थिति है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नगर पालिका प्रशासन ने यहाँ पर अस्थायी गोठान बना दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पंडाल लगा हुआ है, इसमें पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स लगे हुए हैं, और ये मवेशी जो हैं आपको चारों तरफ दिखेंगे।
आसानी से आप देख सकते हैं कि इस 47 लाख रुपए से जो यह चौपाटी बनाई गई थी, आज वर्तमान में ये अस्थायी गोठान बना हुआ। मैं आपको इसको और आगे का नजारा दिखाना चाहूंगा। ये इसका चेकर टाइल्स लगी हुई, आप देख सकते हैं किस तरीके से यह मवेशियों की वजह से धीरे धीरे अब ये खराब होने के कगार पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है। और साथ ही मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा कि इसमें तकरीबन 6 दुकानें बनाई गई थी। जो 6 दुकानें हैं वो यहाँ पे दुकानदारों को देने के लिए बनाई गई थी। और नगर पालिका का जो मंशा थी वो मंशा ये थी कि जो नगर में जितने भी ठेले घूंचे वाले हैं उनको एक स्थान मिले और लोग एक स्थान पर आकर चौपाटी का जो व्यंजन मिलते हैं चौपाटी में उसको मतलब उसका लुत्फ ले सकें और आसानी से एक ही जगह पर उनको सारी चीजें उपलब्ध हो सकें। और आप देखिए ये जब से इसको अस्थायी गोठान बनाया गया है उसकी क्या स्थिति है। आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप ये देखिए ये मवेशियों की वजह से धीरे धीरे अब ये टूटने लगे हुए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि यह चौपाटी कब तक नगर वासियों को सौगात के रूप में मिलती है या फिर अस्थायी गोठान बनकर रह जाता है। अरे सुरेश भाई फिर से रोटावेटर की मरम्मत, हफ्ता 10 दिन में कुछ